भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई। स्वच्छ भारत सुंदर भारत। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, स्वागत आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ तपस्या और आज हमारे साथ हैं सायरा। सायरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ तपस्या, आपका कैसा मिजाज है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद यही करते हैं कि हमारे सारे दर्शक जो इस समय देख रहे हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और हो भी क्यों ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है, जो कोशिश है कि भारत जो है वो पूर्णतः स्वच्छ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो लाजमी है कि कोशिशें भी हो रही होंगी, नहीं सायरा? बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम और आप तो ठीक हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पूरा भारत ही क्यों ना अगर तन मन धन से स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, तो फिर क्या कहने, क्या कहने। और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा भी है, वो कहते हैं स्वच्छता के साथ ही स्वास्थ्य भी आएगा, लिहाजा गरीबों को स्वच्छता की विशेष चिंता करनी चाहिए। वो कहते हैं उम्मीद है कि हर वर्ग में बढ़ रही जागरूकता के बाद स्वच्छ भारत का ये अभियान अवश्य ही सफल होगा। तपस्या, आपने जो प्रधानमंत्री जी का ये कथन पढ़ा उससे मुझे बस मजरू साहब का एक ही शेर याद आता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। बिल्कुल सही बात है, और ये कारवां नहीं, ये तो आंदोलन बन चुका है जो कि पहले से चलता आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये मानना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने इसको गति दी और उन्होंने ये कोशिश शुरू की है कि हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति इसमें शामिल हो, इसमें जुड़े और स्वच्छता के लिए योगदान करे। बिल्कुल ठीक कहा तपस्या आपने, और आपने कहा जैसे प्रधानमंत्री जी का ये विजन है, पर इस मिशन को पूरा करना हमारा, आपका, आप सबका काम है। बिल्कुल, और जैसा कि आप जानते हैं अपने कार्यक्रम में आपको हम देश के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाते हैं, तो इसी कड़ी में सबसे पहले चलते हैं पंजाब। तो सायरा, पंजाब में कहाँ जा रहे हैं हम? तपस्या, आज पंजाब के दो गांव जहां पे लोग बहुत ही उत्साह से, पूरे जोश खरोश से भाग ले रहे हैं इस स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करने के लिए। एक गाँव है जालंधर का रुड़का कला और दूसरा है पटियाला का कुलारा। एक वक्त था जब दिन की शुरुआत खूबसूरत सुबह के साथ होती थी। चारों तरफ साफ सुथरा वातावरण, पक्षियों की वो मधुर आवाजें मन को तरोताजा कर देती थी। लोगों का जीवन तनाव मुक्त होता था, लेकिन इस तेज रफ्तार जिंदगी ने सब कुछ खत्म कर दिया। गाड़ियों से निकलता धुआं, फसलों पर रासायनिक खादों का अंधाधुंध स्प्रे, जगह जगह गंदगी के ढेर। क्या कभी किसी ने सोचा कि इन सब का हमारे वातावरण और जिंदगी पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? इन्हीं सब परिणामों को देखते हुए एक अभियान की शुरुआत हमारी सरकार द्वारा की गई, जिसका नाम स्वच्छ भारत अभियान रखा गया। इसी अभियान के तहत दूरदर्शन की टीम पहुंची जालंधर के गांव रुड़का कला में। की बात की जाए तो इस गांव के लोग स्वच्छ भारत अभियान को लेकर काफी जागरूक नजर आए। इन लोगों ने बिना किसी सरकारी मदद का इंतजार किए प्रवासी भारतीयों की मदद से इस गांव को साफ सुथरा बनाने का पीड़ा उठाया। इस कार्य को पूरा करने के लिए गांववासी बिना किसी भेदभाव के बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस गांव के सरकारी स्कूलों में बच्चों को समय समय पर स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी दी जाती है और सफाई के महत्व के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाता है।
इसके बाद दूरदर्शन की टीम पटियाला के गांव कुलारा पहुंची, जो कि नाभा के पास स्थित है। इस गांव में पहले कभी पीने के पानी की बहुत समस्या थी। आज इस गांव में साफ पानी की सप्लाई हर घर में 24 घंटे हो चुकी है। पानी की वेस्टेज को रोकने के लिए हर घर में मीटर भी लगाए जा चुके हैं। इस गांव में हमने पानी के कनेक्शन वगैरह 100% कर दिए हैं। अभी इस गांव में मीटर लग गए हैं, 24 घंटे पानी की सुविधा इस गांव में दी जा चुकी है। असी टारगेट रखे है पंजाब दे विच तकरीबन साढ़ी 8 लाख टॉयलेट रहिंदी है बनने वाली। असी 1.5 साल दे विच टॉयलेट पूरी करनी है। एक भी घर इहो जिहा नहीं मिलेगा तुहानूं जिथे टॉयलेट ना होवे। हर बंदा टॉयलेट दे विच जाऊगा, बाथरूम बाहर कोई भी नहीं जाऊगा। सरकार अपना काम कर रही है, जरूरत है लोगों की सोच बदलने की। अगर हर भारतवासी कदम से कदम मिलाकर स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाएगा, तब वो दिन दूर नहीं जब भारत का वातावरण शुद्ध एवं स्वच्छ होगा, हर व्यक्ति तंदुरुस्त होगा। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। पंजाब के बाद सीधे चलते हैं मणिपुर। हमारा देखा जाता है कि जो उत्तर या पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाली ज्यादा होने की वजह से भी यहाँ मच्छर ज्यादा पनपते हैं, इसलिए मलेरिया का डर बहुत होता है जी। लेकिन सराहनीय बात यह है कि स्वच्छ भारत मिशन के जैसे ही ये शुरू हुआ, वहाँ के लोगों ने पूरे उत्साह से इस मिशन को अकम्प्लिश करने में, इस मिशन को पूरा करने में अपनी जान लगा दी है। Water is one of the most important source of energy for all the living beings on this planet. If it gets impure or adulterated, will cause a fatal result to those who consume it. Water is of great significance to all of us. We use it for drinking as well as for cooking and other day-to-day requirements. Water is therefore one of our most important essentials of our everyday living. If we do not obtain the required amount of water for several days, we may die, and it is obvious that the water we consume should be pure enough and safe from any harmful bacteria or chemicals. It is extremely important to make all natural water sources clean in order to have a safe water access to all life forms on this planet. Many government departments and NGOs are working towards fulfilling this requirement for many years. And now, in addition to their hard work,
a new mission was officially launched on 2nd October 2014 by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, a mission called Swachh Bharat Mission. Under the aegis of Swachh Bharat Mission, people in rural areas as well as in urban areas are getting easy access to clean and safe water. To attain such important requirements under the Swachh Bharat Mission, a campaign has been running widely and successfully in every nook and corner of Manipur. As a part of this campaign, a team of Doordarshan Kendra Imphal met the beneficiaries of domestic water connection from Vaikhong Gram Panchayat, which is situated about 60 kilometers away to the south from the heart of the capital city Imphal. On being asked when and how did he get the connection and the duration of the daily supply, one of the benefited person answered as, "It has been several years that we haven't got this benefit, which we are entitled with. But after the formation of Village Water and Sanitation Committee in October 2012, and by their hard workings, now I have got this connection in my house also." One of the beneficiaries told us about the payments he has made so far to get the connection, also about the monthly bill he has to pay, and his previous arrangements. The Secretary of Village Water and Sanitation Committee also narrated about his struggle along with the public to make the connection possible. The committee was formed to look after the monthly bill collection. Under the aegis of Swachh Bharat Mission, schemes like National Rural Drinking Water Program is benefiting many locals, both in rural as well as in urban areas. Such schemes are possible only with the support of local panchayat and the Village Water and Sanitation Committee, VWSC, who is providing the locals a substantial service. प्रियंका भारती हाँ ए शारदा विमल हरिया सब इधर आओ ये प्रियंका बहुत नाम है इनका अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मरद से शौचालय बनवाने की मांग की सुना उसने जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं जैसे इसके मरद ने सुना स्वच्छ भारत मिशन एक कदम स्वच्छता की ओर आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें जहां सोच वहां शौचालय तो जैसा कि बात हो रही थी पूर्वोत्तर अपने आप में इतना खूबसूरत है लेकिन वहाँ भी साफ सफाई का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है हमने देखा मणिपुर में लोग किस तरह से स्वच्छता को लेकर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सब वहाँ पर स्वस्थ रहे नहीं सायरा बिल्कुल ठीक कहा आपने और पूरी उम्मीद है कि ये मिशन हम लोग का जरूर एक दिन पूरा होगा बिल्कुल एक दिन नहीं 2019 तक इसको पूरी कोशिश करेंगे पूरा करने की और अभी कुछ देर पहले जिक्र चल रहा था नेतृत्व का बात हो रही थी कि हम कोशिश करते हैं कोई हमें गाइड करे कोई बताए लेकिन यकीन जानिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी का इंतजार नहीं करते अगर आपके मन में ललक है इच्छा शक्ति है तो फिर रास्ता खुद ब खुद बनता चलता है आप मानती हैं सारा बिल्कुल मानते हैं मेरे ख्याल से एक कदम बस उठाने की देर है बिल्कुल मंजिल अपने आप मिल जाती अपने आप मिल जाती है और आपको एक प्यारी बात बताएं दर्शक भी हमारे जरूर सुनकर खुश होंगे कि हम कहते हैं कि फंड्स नहीं है राशि की समस्या है इन लोगों ने ये कोशिश शुरू की कि सप्ताह में एक दिन सब लोग 50 रुपये का योगदान करेंगे उससे कुछ उन्होंने राशि जुटाई है जिससे ये झाड़ू कूड़े का जो सामान बाकी उठाने के लिए चाहिए वो सब लेकर आते हैं और लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं तो जैसे आपने कहा तपस्या तो काम ना करने के तो 100 बहाने मिलते हैं लेकिन अगर दिल में वाकई में लगन है उत्साह है तो काम करने के भी 100 बहाने मिलते हैं कि अंधेरे को कोसने से कई गुना अच्छा है कि दिया सलाई एक जला दी जाए रोशनी पूरे में फैल जाती है तो चलिए अब कहाँ चल रहे हैं अब सीधे पूर्वोत्तर के बाद हम जाएंगे दक्षिण भारत में जहाँ तमिलनाडु के एक गाँव ने पानी की जो वो मुश्किलात आती है लोगों के सामने उससे जूझने के बाद उस पर फतेह हासिल करी है उस पर जीत हासिल की है। तो चलिए चलते हैं तमिलनाडु ओरगडम ग्राम पंचायत स्वच्छ भारत मिशन इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एट अ फास्टर पेस इन तमिलनाडु अंडर नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम वी आर नाउ गोइंग टू विटनेस हाउ द स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन ओरगडम ग्राम पंचायत Oragadam Gram Panchayat is in Tiruporur Block Panchayat of Kanchipuram District.
Oragadam Gram Panchayat comprises of three habitats, Oragadam, Irular Colony, and AD Colony. Water has always been a perennial problem in the past, as they had been dependent on rainwater, which was the only source of water for these villages. The source of income for these villages was agriculture. Earlier, water for all these three habitats were provided by constructing an overhead tank with a capacity of 60,000 liters. As the water supplied to these villages was insufficient, people had to go far and wide to fetch water for their daily needs. Most of their time was spent by these villages by fetching water from far off places. Of the three habitats, AD Colony suffered the most for water, as AD Colony was geographically slightly elevated from other habitats. Hence, under National Rural Drinking Water Program, an overhead tank with a capacity of 30,000 liters was constructed exclusively for AD Colony of Oragadam Gram Panchayat. நமது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 13 ஒன்றியங்கள் உள்ளன. அதில் திருப்பூர் ஒன்றியத்தை சார்ந்த ஒரகடம் ஊராட்சியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு காரணமாக ஏடி காலனியில் ஒரு திறந்தவெளி கிணறு அமைத்து ஒரு 30,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர் தட்டி கட்டப்பட்டு மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு இப்போது தற்போது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. Let's now see how water is being distributed to AD Colony. A huge open well source was constructed in the middle of a dry lake, which is situated 1 kilometer from the village. Water from the open well source was drawn using huge pipes. A separate pumping room was set up for this purpose. The water drawn from the open well source through pipes is sent to the overhead tank, which has a capacity to store 30,000 liters of water. The water stored in the overhead tank is distributed to the villages of AD Colony habitat. Storage tanks are placed at various places for distribution of water. The villages draw water from these tanks and through taps for their daily needs. The quality of water is good. The scarcity of water in this village has been solved, as 4 big storage tanks are placed across the village for the benefit of the villagers. फूलों ने अपने गांव के हर तरसते नल को देखा, दूषित होते जल को देखा और बोली, अगर जमाना बदला है तो मेरा गांव क्यों नहीं। उसने लोगों को जागरूक किया, जल एवं स्वच्छता समिति को दोबारा सक्रिय किया और झट से बन गया नया तरीका पानी की हर समस्या सुलझाने का, और अब से ऐसे ही चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो हम पहले आपको लेकर गए पंजाब, उसके बाद हम गए मणिपुर, और अब हमने आपको दिखाया कि तमिलनाडु में किस तरह से लोग स्वच्छता को लेकर कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि सायरा ने बताया कि पानी की बात की जाए विशेषकर, तो उसको लेकर बहुत काम हो रहा है, क्यों सायरा बताइए जरा। बिल्कुल तपस्या, और जैसे कहते हैं जल ही जीवन है, तो अगर कहीं ने मान ली हम लोग ने कूड़ा तो साफ कर दिया, लेकिन जल अभी भी इम्प्योर है, उसमें अभी भी प्रदूषण है, तो कहीं से हमारा स्वास्थ्य ना ठीक हो सकता है, ना सही मायने में भारत स्वच्छ हो सकता है। सही बात, तो बहुत जरूरी है कि हम लोग पानी के ऊपर बहुत अहमियत दें। बिल्कुल ठीक बात है, और पानी दूषित होगा तो उससे सबसे ज्यादा संक्रमण और बीमारियां फैलते हैं, तो उसका जो है स्वच्छ होना बेहद जरूरी है। तो सर आप कहाँ चल रहे हैं? अब हम सीधे चलते हैं भारत का एक खूबसूरत राज्य त्रिपुरा। आजकल इस राज्य की खूबसूरती 4 गुनी बढ़ गई है। पूछेंगे क्यों? बताइए। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करने में यहाँ के बच्चे बूढ़े जवान पूरे तन मन धन से जुट गए हैं। आज आपको त्रिपुरा राज्य के दक्षिण त्रिपुरा जिले के भरत चंद्र नगर ब्लॉक के सुकांतन नगर ग्राम पंचायत में लिए चलते हैं, जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं का लाभ
उठा रहा है। इसके अंतर्गत हर गांव में पक्का शौचालय व स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं इसी गांव के लाभान्वित ग्रामीणों की जुबानी उनको पहुंचने वाले फायदे की कहानी। हम लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं और मेरा घर से ये सारा भारतवर्ष ये सुंदर सच बनाने के लिए सब लोगों का प्रयास अच्छा से हमारा साथ दे, सब लोग का हम उसका साथ दे, इससे ये अच्छा भारतवर्ष बनेगा। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता एवं साफ सफाई से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाकर उन्हें जागरूक करना है। जैसे गांव में खुले में शौच को बंद करना, पक्के शौचालय के निर्माण पर जोर देना, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, शौचालय एवं घर की सफाई का ध्यान रखना विशेष है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य भारत को अगले 5 वर्षों में खुले शौच से मुक्त देश बनाना है। बच्चों के विकास में बाधक समस्याएं जैसे पेचिस, कुपोषण, शारीरिक विकास संबंधी कमजोरियों की ओर अगर गहराई में नजर डालें तो इन सब की जड़ साफ सफाई की कमी है। इसीलिए अपने भावी नागरिकों को स्वच्छ जीवन देने के लिए भारत सरकार के कई सराहनीय प्रयासों में घर घर में पक्के एवं आधुनिक शौचालय बनवाना विशेष है। हमको तो बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि हम लोग तो पहले से कच्चा लेपटिन में यूज करते थे, तो जब सरकार ने पंचायत से पक्का लेपटिन दिया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सरकार ने मुझे 11,800 दिया। तार पर हम लोग भी हमारी तरफ से और ज़्यादा टाका खर्च करके लेपटिन का यूज करा। हम लोग ये लेपटिन पा के बहुत खुश है, इसलिए हम लोग सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए दक्षिण त्रिपुरा के विलोनिया के अंतर्गत DWS के द्वारा सतीय जल उपचार संयंत्र लगाए गए हैं, जहां पानी का परीक्षण कर उसका शुद्धिकरण किया जाता है। DWS डिपार्टमेंट नगर पंचायत को पानी देता है। इस तरफ दूसरा ट्रीटमेंट प्लांट से जो गांव में सिचुएटेड है वहाँ पे गाँव का ट्रीटमेंट प्लांट का गाँव का पीपुल को हमारा DWS डिपार्टमेंट इस तरफ ट्रीटमेंट प्लांट का जल देता है। जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट का पानी नहीं जाता है वहाँ पे हम DWS डिपार्टमेंट डीप ट्यूबवेल स्कीम से पानी आयरन रिमूवल प्लांट से पूरा शुद्ध करके पाइपलाइन में वो जो पीने का पानी हम लोग DWS डिपार्टमेंट से देता है। स्वच्छ एवं ताजा पीने का पानी मानव और उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और इस बात को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं जो वाकई काबिले तारीफ है। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा दक्षिण त्रिपुरा के घर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है और साथ में यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को अशुद्ध जल व उससे जुड़ी बीमारियों से सचेत कर उन्हें रोग मुक्त किया जाए। महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वच्छता और सफाई गांधी जी की दिनचर्या व जीवनचर्या का अभिन्न अंग था। आइए आज आप हम और सब मिलकर संकल्प लें कि भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को जन जागरण का रूप देकर देश के कोने कोने को स्वच्छ, सुंदर व समृद्धशाली बनाए, जो कि राष्ट्रपिता के प्रति देश की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आज स्वच्छ भारत के कार्यक्रम में हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में लेकर गए। हम गए पंजाब, इसके अलावा हम गए तमिलनाडु, हम गए मणिपुर भी, नहीं सायरा? बिल्कुल। और कहाँ गए हम? और हम गए त्रिपुरा। क्या बात है। और तपस्या, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आप लोगों को भी इन सारे गांव के जितने लोग भरपूर हिस्सा ले रहे हैं थोड़ा उत्साह आप में भी जरूर जगा होगा। बिल्कुल, यही हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास भी है कि हम जो आपको रिपोर्ट्स दिखाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों की गाथाएं दिखाते हैं, उससे आप भी सीख ले, प्रेरित होकर अपने यहाँ अपने क्षेत्रों में काम भी करवाएं। और हम ये भी कहते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में आपके इलाके में काम हो रहा है और चाहते हैं कि बाकी लोग उससे अवगत हों तो हम उसका भी
स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसका भी हम अभिनंदन करते हैं। पता हमारा वही है, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sp@dvkdelhi.org.in। और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके हमारे ये सारे एपिसोड्स दोबारा दोबारा जब तक चाहे देख सकते हैं। तो सारा आज के अंक में हम देश के अलग अलग हिस्सों में गए, लेकिन आशा हम यही करते हैं, उम्मीद यही करते हैं कि ये जो लक्ष्य है ये हासिल हो और लोग जो इस बात को समझ लें कि उनकी अपनी सेहत के लिए साफ सफाई कितनी ज़रूरी है, थोड़ी सी दृढ़ता की ज़रूरत है। तो क्या पता अगर पूरी दृढ़ता से हम लोग इसमें भाग लें तो 2019 से पहले ये ख्वाब पूरा हो जाए। आमीन तथास्तु, हम यही कहेंगे। और इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं इजाजत। सायरा और तपस्या को दीजिए अनुमति। नमस्कार।